हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो इज अबाउट विंडो फर्निशिंग और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने घर के लिए बेस्ट तरह से कर्टन्स आप चूज कर सकते हैं। कर्टन्स एक्चुअली एक नेसेसिटी है, ये हर घर में होता है, पर जब भी आप कर्टन्स खरीदने बाहर जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसको कैसे हम बेस्ट तरीके से, क्या फैब्रिक्स देख सकते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ये सारा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। एक्चुअली सेगमेंट इतना बड़ा है कि हमने इसको दो पार्ट में बनाने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू चूज द बेस्ट कर्टन फॉर माई सेल्फ। सो दोस्तों, जब हम लोग कर्टन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि फंक्शनैलिटी से मेरा मतलब है कि आपकी जो विंडो है वो ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, तो किस तरफ उसका डायरेक्शन है, उसके हिसाब से आप चूज करिए आपको कैसा फैब्रिक लेना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी विंडो ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, तो आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादा सनलाइट आती है, तो जब ज़्यादा सनलाइट आती है तो शायद आपके लिए ब्लैकआउट फैब्रिक ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, ज़्यादा सही होगा इन ऑर्डर टू यू नो प्रिवेंट वो डायरेक्ट सनलाइट, हार्श सनलाइट। पर अगर आपके यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, तो उस केस में आप चाहें तो थोड़ा ट्रांसलूसेंट फैब्रिक भी ले सकते हैं, सैटन्स में आप जा सकते हैं, दूसरी तरह के फैब्रिक्स में जा सकते हैं, जब हल्की फुल्की लाइट आएगी तो चलेगी। और अगर आप उसमें भी चाहें तो पीछे अस्तर लगा के उसे और थोड़ा सा आप ब्लैकआउट कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों फंक्शनैलिटी के बारे में। सो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टाइल्स के बारे में। देखिए, जब कर्टन्स की बात होती है तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो अवेलेबल है। इसमें से मेन है आपके एस्थेटिक्स को मैच करना चाहिए, आई मीन टू से कि आपके डेकोर को मैच करना चाहिए। आजकल जो ज़्यादातर चलन है वो प्लेन्स का है और लोग चाहते हैं कि इसको सोबर कलर्स रखे, पेस्टल कलर्स रखे, कूलर कलर रखे। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू, बिकॉज अगर आप डार्कर कलर्स चॉइस करेंगे सो आपका रूम ऑलरेडी जो है लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। सो चूज़ करें कि आप लाइटर टोन्स यूज़ करें एज कम्पेयर टू द डार्कर टोन्स विच आर देयर, एंड जस्ट मैच इट विथ योर सोफा, मैच इट विथ योर अदर अपोल्स्ट्री, मैच इट विथ प्रोबेबली द वॉल्स दैट यू हैव। मतलब यहाँ तो आप उससे कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली कर सकते हैं अगर आप उसका कॉन्ट्रास्ट नहीं करना चाहते हैं। सो देर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद द स्टाइल्स ऑफ द कर्टन्स दैट यू हैव, और उसके साथ साथ आप उसमें शेयर्स भी मिक्स कर सकते हैं। सो स्टाइल्स में देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन चूज फ्रॉम। सो दोस्तों, इस सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर कर्टन्स के बारे में। शेयर कर्टन्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ये प्रेफर्ड चॉइसेस है, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये एस्थेटिकली यूज होता है। आई मीन टू से कि बहुत सारे घरों में इसका पर्पस क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले तो पर्पस ये है कि ये एक थोड़ा सा लाइट फैब्रिक होता है, इसमें से जो है वो धूप छनके आती है, सो ये हार्श लाइट को सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्टनिंग इफेक्ट कर देता है, जिससे आपको बहुत ही कोजीनेस घर में मिलती है और एक वो जो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि हाँ होटल्स में ये चीज़ यूज़ होती है तो ये हम हमारे घर में भी यूज़ करें। सो यस, ये चीज़ और ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है आजकल। और इसको कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, सो आप जब भी मेन कर्टन्स इस्तेमाल करते हैं, मेन कर्टन्स के पीछे, आई मीन टू से कि खिड़की के बाद आप शेयर, और शेयर के फिर ऊपर मेन कर्टन्स, ताकि आप प्राइवेसी के लिए उसको ढक सके, शेयर कर्टन्स पीछे रह जाएं, और जब सुबह आप उसको खोलें तो आपको शेयर कर्टन्स में से हल्की हल्की लाइट मिलती रहे। सो ये शेयर कर्टन्स का, इसमें भी बहुत सारे फैब्रिक्स हैं, डिज़ाइंस हैं, सो इसमें आप चाहें तो प्लेन्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सेल्फ प्रिंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें भी कलर्स चॉइस आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जो भी आप मेन कर्टन ले रहे हैं उससे आप कॉन्ट्रास्टिंग या उससे मैचिंग करके यू कैन चूज फ्रॉम। तो दोस्तों, मैंने अभी तक फैब्रिक की बहुत सारी बातें तो की है, बट आपको अभी तक बताया नहीं है। इस सेगमेंट में मैं बताने वाला हूँ कि मैं किन किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। सबसे पहले तो देखिए, ये शेयर कर्टन जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर ही रहे थे, सो इसमें आप ये देख पा रहे हैं ये एम्ब्रॉयडरी वाले शेयर कर्टन हैं, थोड़े से एथनिक प्रिंट्स हैं, सो ये एक स्टाइल है। उसके अलावा प्लेन और सोबर डिज़ाइन में भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत सेल्फ पैकिंग में, उसके अलावा अलग अलग कलर्स में, अलग अलग स्टाइल में इसमें शेयर्स में मिलता है। बात करें मेन कर्टन्स के बारे में, सो डिजिटली प्रिंटेड कर्टन्स काफ़ी पहले चलते थे, अभी भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं, इसमें डिजिटली पॉलिएस्टर के ऊपर आपको अलग अलग प्रिंट्स मिलती हैं। इसी के साथ फॉइल इफेक्ट वाला जो कर्टन है, तो फॉइल इफेक्ट में आपको थोड़ा सा शाइनी और शिमरी कर्टन्स अगर आपको पसंद है और आपको ऐसा कुछ देना है आपके इंटीरियर्स के लिए, सो आप कोई भी कलर थीम में थोड़ा सा शाइनी ऑप्शन भी जिसमें फॉइलिंग इफेक्ट होता है वो चूज़ करें। इसके अलावा जैसे मैंने सबसे पहले बात की थी आपका सैटिन के बारे में, सैटिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल पैटर्न्स, काफ़ी सारे कलर्स की आपको वैरायटी मिल जाएगी और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसमें भी,
तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सोबर रखें और शेयर्स में हम लोग एक्सपेरिमेंट करें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द ब्लैकआउट, जैसे मैंने बताया था कि आप अगर नॉर्थ फेसिंग सॉरी ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग आपका घर है तो आप उसमें ब्लैकआउट कर्टन लीजिए जिसमें पूरा सन ब्लॉक आउट हो जाता है। इसी के साथ साथ ये जो फैब्रिक है, अब जैसे मैं तो फील कर पा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा मुश्किल है फील करवा पाना, तो ये कॉटनिश इफेक्ट है। दिस इज़ मोर कोजी, मोर कंफर्टेबल फैब्रिक। अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि नहीं मुझे बहुत कंफर्ट इफेक्ट देना है तो आप इस तरह का ले सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था दोस्तों हमारे सेल्फ पैटर्न्स के बारे में, जिसमें कि सेल्फ डिज़ाइंस हैं, सो ये तरह के वो पैटर्न्स आते हैं जिसमें थोड़ा सा अंदर ही आपको एम्ब्रॉयडरी वाले भी पैटर्न्स होते हैं ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ आपको सेल्फ में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड थिंग्स दीज डेज। इसके बाद आप चाहें तो इसके साथ साथ आपके कुशन कवर्स से मैच करवाते हुए भी अगर कर्टन्स बना सकते हैं तो आप कुशन कवर्स भी उसके बनवा सकते हैं सिमिलर नोट पे। और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं जैकार्ड फैब्रिक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड फैब्रिक्स, और वेलवेट होता है, वेलवेट जैकार्ड। इन सभी में आपको बहुत सारी कैटेगरीज, डिज़ाइंस, कलर्स, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें उपलब्ध है फ्रॉम विच यू कैन चूज फ्रॉम। सो येस इट इज़ एन ऑप्शन जिसमें आप यू आर स्पॉइल्ड विद ऑल दी ऑप्शन विच आर देयर इन द मार्केट। सो फ्रेंड्स, अब बात करें कि हम कर्टन्स कैसे लगाए, कितनी हाइट से लगाए, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। सो देखिए आजकल जो ज़्यादातर ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो आपकी सीलिंग से आता है, सीलिंग के पीछे पेलमेट्स होते हैं, और अगर आपका पेलमेट नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा नीचे ना लाएं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उसको एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर मैच कर देते हैं, उससे अच्छा है आपकी जो विंडो है, विंडो के जस्ट ऊपर जहाँ पे आप रॉड लगा रहे हैं, चैन लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, वहाँ से अगर पर्दा शुरू हो रहा है तो उसको प्रॉपर नीचे आप ज़मीन लेवल तक लें। ज़मीन लेवल तक मेरा ये कहने का मतलब है कि आप उसको ऐसा भी नहीं हो जाए कि आपका पर्दा जो है वो बिल्कुल ही फ्लोर को टच करे और जब पोछा लगे तो उससे वो पर्दा ख़राब हो जाए या किसी के पैर में आ जाए, वो भी नहीं। आप उसको स्कर्टिंग लेवल तक लीजिए। स्कर्टिंग लेवल तक अगर आप उसको लेंगे, मतलब ज़मीन से 2-3 इंच छोड़ते हुए, तो स्कर्टिंग लेवल तक में इट इज़ ईजियर फॉर यू ऑल्सो कि वो किसी के पैर में भी ना आए और वो मेंटेन करना भी ईजी रहे। जब आप ऐसा फॉल लेते हैं तो ध्यान रखिए कि आप कैसा फॉल ले रहे हैं, आप प्लीट्स कौन सी ले रहे हैं और आप उसकी हाइट कितनी दे रहे हैं। अगर आप ज़्यादा छोटा कर देंगे पर्दा तो वो भी दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा कर देंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा पर्पस आपका सॉल्व नहीं करेगा। इट शुड बी इन करेक्ट लेंथ। इसके लिए हम कैसे चूज करें कि हमें कितने पर्दे लेने हैं, हम अगर रेडीमेड कर्टन्स खरीद रहे हैं तो वो कैसे हम करें, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको मेजरमेंट बहुत ही सिंपल ट्यून करके समझा रहा हूँ। वो ऐसे होगा कि आपकी जो भी विंडो है उसकी विड्थ लीजिए, टेप जो भी आपके पास मेजर टेप है आप उससे नापिए कि उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है। जब आप उसकी हाइट और विड्थ नाप लेते हैं, इसको आप इंचेस में नोट करिए प्लीज। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो विड्थ है वो है 6 इंच और आपकी विंडो की जो हाइट है वो है 8 इंच। सो 8x6 अगर विंडो छोटी भी है और अगर आप उसको लंबा ले रहे हैं, अगर आपकी रूफ से 1-2 फीट छोटी ले रहे हैं तो 8 फीट तक का पर्दा नीचे आ जाएगा आपका स्कर्टिंग लेवल। जो है अगर 6 फीट मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ इंचेस 72 इंचेस। 72 इंचेस हमारा विड्थ। इसको मैं डिवाइड करता हूँ बाय 24। अब ये 24 ही फीट। देखिए दोस्तों, जब आप पर्दा बनवाते हैं या कर्टन स्टिच करते हैं या फॉर एग्जाम्पल रेडीमेड की अगर लेते हैं तो वो उसका पना होता है 54 इंचेस का या 56 इंचेस का, वो सिकुड़ के 27 से 24 इंचेस हो जाता है। तो 24 इंचेस हम लोग एक नॉर्म लेकर चल रहे हैं, डिवाइड 72 इंचेस बाय 24 इंचेस तो ये आता है 3, मतलब 3 पार्ट्स। तो 3 पल्ले बहुत है आपकी विंडो को बराबर से कवर करने के, जिसमें आपको अच्छा लुक मिलेगा, जिसमें आपको स्टिचिंग में ज़्यादा फॉल मिलेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आईलेट वाला कर्टन, मैं इसके बारे में बात करूंगा कि आईलेट कर्टन्स क्या होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं मैं रॉड के ऊपर कर्टन लगा रहा हूँ और मुझे सिंपल कर्टन चाहिए, मुझे कोई बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कर्टन नहीं चाहिए, उस केस में आप चाहें तो वो 24 को आप 26 ले सकते हैं। तो फिर भी आपके 2.5 पल्ले में काम हो जाएगा, एंड 2.5 पल्ले होता नहीं है बेसिकली, तो या तो 2 पार्ट होते हैं। उसके बाद आप इसको मीटर्स अगर आपको निकालना है, वैसे तो आपको ऑब्वियसली कोई भी जो रिटेलर के पास आप जा रहे हैं कर्टन रिटेलर के पास, वो बता देगा कि कितना कपड़ा लगेगा इसको कवर करने के लिए। तो
तो फॉर एग्जाम्पल आपके तीन पार्ट आए, आपने 72 को 24 से डिवाइड किया, आपको तीन पार्ट हो। अब आपकी हाइट है 96 इंचेस, तो 96 को तीन से आप मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए 39। कहाँ से आया इसको बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप उसको सिर्फ डिवाइड कीजिए 39 से, क्योंकि हम लोग इंचेस को मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो फिर उसके बाद आपको वो आंसर मिल जाएगा कि दीज मैनी मीटर्स आई वुड रिक्वायर इन ऑर्डर टू कवर माई होल विंडो। सो ये था दोस्तों थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेजरमेंट के बारे में। अगर थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द कर्टन्स वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं और दूसरी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि किस तरह की आप प्लीट्स ले सकते हो, क्या हार्डवेयर आता है आपके कर्टन के लिए, और क्या चीज़ें और आप ध्यान में रख सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक योर कर्टन्स मोर ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगर पार्ट वन पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, और आपके इम्पोर्टेंट कॉमेंट्स, आपके इम्पोर्टेंट सजेशंस कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए, बिकॉज दिस हेल्प्स मी टू इम्प्रूव इवन फर्दर। कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं मिस आउट कर गया हूँ तो वो भी बताइए। इम्पॉर्टेंट लिंक्स जो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच की हैं, ताकि आपको ज़्यादा सुविधा हो इन ऑर्डर टू लुक इन टू मोर डिस्क्रिप्शन, टू लुक इन टू मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।